नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है अब्दुल रहमान चुगताई का है। अब इनसे जो जो प्रश्न बनेंगे उनको भी हम लोग देख लेंगे। वैसे ये इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिकों को लेकर हैं, तो उन पर एक तो इनसे सबसे पहले तो यही सवाल पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम चित्रकार या पाकिस्तान का पहला आधुनिक राष्ट्रीय कलाकार, तो ये सबसे इनसे प्रश्न बनता है। तो इनके कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर नज़र डाल लेते हैं। तो आते हैं, देखते हैं कि अब्दुल रहमान चुगताई यानी इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो पिछली बार हमने ये चर्चा की थी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। 21 सितंबर 1897 में लाहौर में हुआ था। 21 सितंबर 1897 लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1975 पाकिस्तान में हुई थी। अच्छा, अब 1975 आ गया। अब 1975 में तुरंत ये दिमाग में लाइए कि 1975 में कितनी किनकी मृत्यु होती है, क्योंकि ये ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा गया है। ये खासकर बंगाल शैली के कलाकारों की जन्म और मृत्यु तो याद ही रखे रहिएगा। बागे जो समकालीन कलाकार आएंगे तो उतना तो नहीं इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन इन लोगों से प्रश्न थोड़ा गहराई से पूछ लेता है। तो हम देखते हैं कि 1975 में आप नज़र डालिए, तो 1975 में तो एक मूर्तिकार हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी, उनकी भी मृत्यु कब होती है? 1975 में। कहाँ होती है? कलकत्ता में। इनकी मृत्यु भी 1975 में होती है और कहाँ होती है? लाहौर में। और याद करिए तो छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, छितेंद्रनाथ मजूमदार जो इलाहाबाद के ये शिक्षणकार किए थे, और जहाँ पर 1 सितंबर 1942 से लेकर 1964 तक वहाँ पर वो कार्यरत रहते हैं, उनकी भी मृत्यु कब होती है? 1975 में। और कहाँ होती है? इलाहाबाद में होती है। तो स्थान भी जान लिए और कब इनकी मृत्यु हुई ये जान लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक। और अब इनके गुरु जान लेते हैं क्या है, क्योंकि गुरु से भी प्रश्न बनता है। तो गुरु से प्रश्न क्या बनेगा? एक तो ये पूछेगा इनके प्रारंभिक गुरु कौन है। तो प्रारंभिक गुरु इनके मीर बख्श हैं, यानी उस्ताद मीर बख्श। और दूसरा, इनके और एक कला गुरु हैं। कला गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, क्योंकि ये बंगाल शैली के कलाकार में आएंगे। अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली के कलाकार आएंगे, तो बंगाल शैली के जितने भी कलाकार हैं उनके गुरु कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि प्रारंभिक गुरु कौन है, तो प्रारंभिक गुरु कौन है? मीर बख्श हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर गुरु हुए तो अब ये कहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए, देखिए गुरु और कहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए और कहाँ पर शिक्षण कार्य किए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए? तो पहला तो ये याद रखिए कि जो प्रारंभिक गुरु हमने जाना मीर बख्श, फिर उसके बाद गुरु क्या जाना कि अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर है तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ पर पढ़े होंगे, जो है कलकत्ता कला विद्यालय में पढ़े होंगे। तो एक चीज़ तो ये बना कि इन्होंने अध्ययन कहाँ किया? कलकत्ता कला विद्यालय। लेकिन कलकत्ता कला विद्यालय से पहले भी एक जगह इन्होंने अध्ययन किया था, वो कौन सा स्कूल था? तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ पर पैदा हुई है? लाहौर में। और लाहौर में एक स्कूल है कला का, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। क्या है? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। तो पहली जो इनका प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई है? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में। और प्रारंभिक गुरु कौन रहे हैं? मीर बख्श। पॉइंट पे नोट कीजिएगा, ये दिमाग में उलझने ना पाए, क्योंकि ये उलझन करेगा, ठीक ना, क्योंकि बंगाल शैली में तो गुरु शिष्य के इतने ज़्यादा है। लेकिन ये हम गारंटी देते हैं कि एकदम बिल्कुल लर्न करा देंगे, बस आप सुनते जाइए, दिमाग में खुली जो ब्रेन की न्यूरॉन्स हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, उनको फ्री छोड़ दीजिए, बस आप सुनते जाइए। तो अगर प्रारंभिक गुरु मीर बख्श और प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक गुरु मीर बख्श और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट। दो पॉइंट याद कर लीजिए, प्रारंभिक वाला। और उसके बाद में फिर कहाँ पर पढ़े? फिर उसके बाद में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़े। तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़े तो कौन से गुरु हो जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर। एकदम क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब ये मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में लाहौर में पैदा हुई, फिर उसके बाद में और भी स्कूल में पढ़े थे, लेकिन जो कला के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये एडमिशन करवाए मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में। तो जिस वक्त ये एडमिशन करवाए थे मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में, उस वक्त यहाँ पर जो शिक्षण कार्य कर रहे थे समरेंद्र नाथ गुप्त,
कौन थे? समरेंद्रनाथ, जो वो भी किनके शिष्य थे? अवनी बाबू के शिष्य थे, और यहाँ पर उन्होंने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। तो समरेंद्रनाथ गुप्त जब मेयो कॉलेज अपार्ट में पढ़ा रहे थे तो उन्हीं के सानिध्य में अब्दुल रहमान चुगताई ने शिक्षा प्राप्त की। तो ऐसे में प्रश्न एक चीज़ और दिमाग में उलझ सकता है कि एक तो प्रारंभिक गुरु मीर बख्श हुए और यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त किए तो इनके भी शिक्षक इस समय जो प्रारंभिक शिक्षा तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में हुई है और प्रारंभिक शिक्षक तब तो समरेंद्रनाथ गुप्त बने। तो ठीक है, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो दोनों नहीं देगा, मीर बख्श और समरेंद्रनाथ गुप्त नहीं देगा। अगर देगा तो अगर समरेंद्रनाथ गुप्त का पूछना होगा तो ये जरूर इंडिकेट करेगा कि जब अब्दुल रहमान चुगताई मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ रहे थे तो उस समय उनके शिक्षक कौन थे? तो उस समय उनके शिक्षक कौन थे? समरेंद्रनाथ गुप्त। और जब अपने ये मीर बख्श इनके फेमिलियर थे, इनके परिवार के ही ये थे, क्योंकि हम जानते हैं कि अब्दुल रहमान चुगताई का जो वंशज रहा है, जो पीढ़ी रही है, जो इनके दादा रहे, पिता रहे, परदादा रहे, ये मुगल वंश के थे, ईरानी वंश के थे। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जन्म से तो भारतीय है, बंगाल शैली का ऐसा कौन सा कलाकार है जो जन्म से भारतीय है? अच्छा, जन्म से भारतीय का मतलब क्या समझना है कि जिस वक्त जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो ये पाकिस्तान ये सब क्या था? ब्रिटिश भारत ही तो थे, भारत के ही अंडर में थे। तो जन्म तो इनका हुआ था लाहौर, तो उस वक्त तो भारत में ही आता था, तो जन्म से तो ये भारतीय हो गए। लेकिन इनके जो वंशज थे, जब मुगल शासक लोग जहांगीर, अकबर, बाबर ये सब शासन कर रहे थे, तो इन्हीं के वंशज, इन्हीं के दादा परदादा, उन्हीं के दरबार में क्या थे? वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार थे। तो उन्हीं में से मीर बख्श भी इन्हीं की पीढ़ी में से तो घर में ही रहते थे, तो वहाँ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, तो इसलिए जो है प्रारंभिक गुरु मीर बख्श हो जाते हैं। लेकिन जो विधवत जो कहते हैं कॉलेज में एडमिशन ले लेना, तब उस वक्त कॉलेज में एडमिशन लिए तो उस वक्त जो प्रारंभिक गुरु बने थे, प्रारंभिक शिक्षक बने थे, वो समरेंद्रनाथ गुप्त थे। क्यों? क्योंकि मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में लिए, और मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ है? लाहौर में है। तो लाहौर में जन्म लेने के बाद ये मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लेते हैं, तो इनके गुरु कौन बन जाते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। अब ये दिमाग में आ रहा है कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इतने गुरु हो जाते हैं तो कैसे? तो देखिए, अगर एग्जाम में आता है तो जाहिर सी बात है कि अब्दुल रहमान चुगताई के यहाँ बंगाल शैली के कलाकार हैं। अगर बंगाल शैली के कलाकार हैं तो किसी भी आर्टिस्ट जो बंगाल शैली का रहा है, अगर वहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और भी गुरु दिए हैं, तो प्राथमिकता अवनींद्रनाथ टैगोर की होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी हम लोग आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं बंगाल शैली के, अब बंगाल शैली के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब आधुनिक कलाकार की श्रेणी में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब्दुल रहमान चुगताई को हम क्या करेंगे, ये वाश टेक्निक से भी चित्रण किए हैं और बंगाल शैली के कलाकार हैं, तो प्राथमिकता हम किसको देंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर को देंगे। तो क्लियर ना इतना? तो अब आगे चलते हैं। तो ये हुआ, और एक चीज और हम देख लेते हैं। देखिए, हमने एक चीज कहा था कि देखिए, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन घबराइए मत, वीडियो लंबी हो जाने दीजिए। कारण है, हमें समझना है, हर हाल में समझना। हमने वादा किया है आपसे कि हम आपको हर हाल में लर्न कराएंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि वीडियो में रिवाइज्ड हो रहा है, लेकिन उससे घबराइए मत, क्योंकि धैर्य भी चाहिए, अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए। ये बहुत प्यारा कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का, और एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए वो मत करिए। क्यों? क्योंकि किसी भी काम के लिए हमें क्या चाहिए? अनुराग चाहिए। और भी अनुराग के साथ क्या, कोई भी काम करे तो उसमें हमें लगाव बना रहे, अनुराग चाहिए, और धैर्य भी हो, पेशेंस भी हो। ये नहीं जल्दी से उबने लगे, थकान होने लगे तो जान जाना सफलता बड़ी कोसों दूर है। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, और साधना की सफलता भी, और साथ ही साथ जो कर्म करे उसमें यह रहे कि मैं उसमें सफल हो जाऊंगा। मुझे सफलता भी चाहिए, लेकिन कैसा भी हो, अनुराग भी हो, धैर्य भी हो, साधना की सफलता भी हो। क्यों? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कला चर्चा एक साधना है। कला के परिपेक्ष में कर रहे हैं कि इसकी चर्चा एक साधना है, हम लोग भी ऐसे चर्चे करते रहें, बार बार चर्चा करें तो एक साधना बन जाएगी, लेकिन कोई शौक नहीं। कला चर्चा एक साधना है, शौक नहीं। शौक तो किसी में भी हो सकता है, मन तो उठपटांग चीजों में शौक लेगा, वो साधना नहीं होगी। तो कला चर्चा एक साधना है, शौक नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग साधना भी करें, तो देखते हैं मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब होती है। 1875 में होती है, और इसके पहले कौन से बनाए जाते हैं?
पहले प्राचार कौन बनाए जाते हैं, लॉकवुड किपलिंग, और पहले भारतीय प्राचार समरेंद्र नाथ। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि अब बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक बात, ये लॉकवुड किपलिंग है ना, लॉकवुड किपलिंग, और याद करिए लॉकवुड किपलिंग जब जे जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना विलियम जेरी करते हैं, कौन करते हैं, विलियम जेरी, तो उस वक्त इसके पहले प्राचार, मुंबई कला विद्यालय के पहले प्राचार भी कौन बनाए जाते हैं, लॉकवुड किपलिंग, और यहाँ भी मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट के भी पहले प्राचार कौन है, लॉकवुड किपलिंग। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा याद हो जाए ना, हम लोगों का याद हो जाए, थोड़ा ही दो चार मिनट लगेगा ना याद हो जाए, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा एक स्टोरी हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक यहाँ कर लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के दौरान मुंबई के कला विद्यालय जो था उसका दरवाज़ा लॉक हो गया। भाई क्रांति हो रही ना, तो उसका दरवाज़ा लॉक हो गया। तो पहला प्रश्न कि ये प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में कौन सा विद्यालय, कला विद्यालय बना था, तो मुंबई कला विद्यालय। ये ठीक, अब 1857 की क्रांति हुई तो दरवाज़ा क्या हो गया, उस कला का जो गेट था कला विद्यालय का, लॉक हो गया, तो लॉक से याद आ जाएगा लॉकवुड। अब लॉकवुड क्या करें, तो लॉकवुड ने कहा कि अब यार तो सब तो तरफ क्रांति हो रही है, तो इन्होंने कहा कि उनको कान में मैसेज आया कि चले जाओ जयपुर, वहाँ वैलेंटाइन दिवस मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, वैलेंटाइन दिवस। तो लॉकवुड ने जो 1857 था और 1857 में पहुंच गए जयपुर, क्योंकि वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था। अब वैलेंटाइन बस समझने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग पकड़ लेगा। अब वैलेंटाइन डे के दिन क्या हो रहा था, गुलाबी नगर, अब याद कर लीजिए गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, पिंक सिटी जयपुर, तो वहाँ पर ही गुलाबी नगर बनाया गया क्योंकि वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था। और इसी दौरान वैलेंटाइन डे से मतलब, वैलेंटाइन का मतलब यहाँ होगा कि जो राजस्थान कला विद्यालय के जो पहले प्राचार थे वो सीएस वैलेंटाइन थे, तो वहाँ से ये लॉकवुड आए जब दरवाज़ा लॉक हो गया, तो यहाँ गुलाबी नगर में पहुँचे जहाँ वैलेंटाइन मनाया जा रहा था, तो यहाँ पर वो मिले किससे, वैलेंटाइन से, कौन मिले, लॉकवुड। तो यहाँ पर वैलेंटाइन मनाया जा रहा था गुलाबी नगर में यानी जयपुर में, तो वहीं पर ये वैलेंटाइन डे कुछ थोड़ा सा हटके था, क्योंकि इस वैलेंटाइन डे में आज के वैलेंटाइन डे से अंतर था, यहाँ पर भगवान राम की जय हो रही थी, राम की जय हो, राम की जय हो। अच्छा, ऐसे में अब राम की जय हो से दो चीज़ निकाले, यहाँ सब प्रश्न हैं, दिमाग से जाने मत दीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, राम की जय हो, और वही वैलेंटाइन डे भी मनाया जा रहा था और राम की जय हो रही थी, तो राम से बना देना राम सिंह, और जय से बना देना जय सिंह, और जय कितनी बार हुई है, दो बार जय हुई, तो राम सिंह द्वितीय और जय सिंह द्वितीय। अच्छा, प्रश्न क्या बनेगा, अब यहीं से देख लीजिए, तो जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है उसकी स्थापना किसने की थी, राम सिंह द्वितीय ने की थी, किसने की थी, राम सिंह द्वितीय ने, और किस नाम से की थी, मदरसा ये हुनरी के नाम से की थी, और जो उनकी जय हो रही है तो जय सिंह द्वितीय ने क्या जयपुर नगर बसाया था, जयपुर नगर बसाया था, तो ये जय सिंह द्वितीय हो जाएंगे जो जयपुर नगर बसाए, और राम सिंह द्वितीय क्या हो जाएंगे, जिन्होंने इन्हीं के समय में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई, किस नाम से, मदरसा ये हुनरी के नाम से हुई। तो ये चीज़ें याद रखिए, और यहाँ के पहले प्राचार कौन बनाए थे, वही सी एस वैलेंटाइन बनाए गए थे। अच्छा, अब यहाँ से लॉकवुड वैलेंटाइन डे मना के इनको चले गए लाहौर, कहाँ चले गए, लाहौर, तो 57 में आए थे बम्बई से और 57 में पहुँचे थे कहाँ पे, जयपुर में, और यहाँ से जब लाहौर गए तो 57 का उल्टा कर दीजिए, 57 का उल्टा क्या बनेगा, 75, 75, 57 का उल्टा क्या बनेगा, 75, तो ये पहुँचे लाहौर, तो 57 का उल्टा कर दीजिएगा लाहौर, तो वहाँ क्या हो गया, 1875 में मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना होगी। थोड़ी स्टोरी बना रहेगा ना, दिमाग कभी नहीं भूलेगा, तो 1875 में पहुंच गए वहां पे, और वहां पर मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में ये पहले प्राचार बना दिए गए, तो ये स्टोरी बना रहेगा ना, कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरह से, और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट का तो जान ही रहे हैं, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, 1854 में, इसके जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के पहले प्राचार्य कौन बनाए गए थे, एच एच
लूसे, हेनरी हूबर लूसे बनाए गए थे। फिर उसके बाद में जो है ई वी हैवेल आते हैं मद्रास स्कूल से, तो यहाँ पर 1896 में ई वी हैवेल बनाए जाते हैं। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए जाते हैं 1905 से 15 तक। ये भी प्रश्न आया है कि कब से कब तक रहे हैं, तो 1905 से 15 तक रहे हैं अवनी बाबू। अवनी बाबू के बाद कौन आते हैं, पर्सी ब्राउन आते हैं। पर्सी ब्राउन के बाद कौन आते हैं, 1928 में मुकुल चंद्र डे आते हैं। मुकुल चंद्र डे के बाद कौन आते हैं, चिंतामणिकर, चिंतामणिकर, तो ये बनाए गए। तो ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये अब्दुल रहमान चुगताई का, कहने का मतलब इनको भी पढ़ने साथ साथ डिवीजन चलता रहे। तो इस तरह से इनके बारे में जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के प्रथम आधुनिक मुस्लिम चित्रकार कौन है, या दक्षिण एशिया के प्रथम आधुनिक कलाकार कौन है, या आधुनिक राष्ट्रीय कलाकार कौन है पाकिस्तान के, तो वो कौन है, अब्दुल रहमान चुगताई है। अच्छा, हमने गुरु भी देख लिया, कहाँ पे शिक्षा लिए ये भी देख लिया, प्रश्न जो जहाँ जहाँ से बनता है। अच्छा, ये भी तो बहुत बनता है प्रश्न, कहाँ पे शिक्षण कार किए, यानी कहाँ पर ये पढ़ाए। बस तो पढ़ाने का याद रखना कि यहीं जहाँ से पढ़े थे पहली बार, वहीं पर ये पढ़ाए भी, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में ये शिक्षण कार किए। कौन से, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में इन्होंने शिक्षण कार किया। तो ये चीज़ दिमाग में बनी रहनी चाहिए, तो पूरी तरह आपका डिटेल बना रहेगा। ठीक, शिक्षणकार भी देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं कि इन्होंने और एक जगह शिक्षा ली थी, वो शिक्षा ली थी यूरोप, यूरोप महाद्वीप में। अगर यूरोप मतलब महाद्वीप है, उस महाद्वीप में कौन सा देश, यूरोप महाद्वीप में, तो लंदन से। लंदन से इन्होंने ग्राफिक विद्या की शिक्षा ली थी। छापा कला की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो इन्होंने छापा कला की शिक्षा कहाँ से ली थी, यूरोप यानी लंदन से ली थी। और साथ ही साथ छापा कला की कौन सी विधि के अंतर, कौन सी विधा थी, तो एचिंग तकनीक से। तो कौन सी, या तो एग्जाम में आएगा कि जो है अब्दुल रहमान चुगताई ने एचिंग की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो लंदन से ली थी। या ऐसे पूछेगा कि ग्राफिक विद्या की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो लंदन से ली थी। तो इस तरह इन्होंने अगर हम देखा जाए तो जो है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में भी पढ़ा, और कलकत्ता कला विद्यालय में भी पढ़ा इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने एक जगह शिक्षा ली लंदन जाकर। किसकी शिक्षा ली, ग्राफिक कला की। तो ये हमारा बना रहेगा। चुगताई के विभिन्न इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर ध्यान दे लेते हैं। एक तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। और चुगताई ने अपनी एक निजी शैली विकसित की थी जिसका नाम था चुगताई शैली। क्या नाम था, चुगताई शैली। अच्छा, अब यहाँ चुगताई शैली से आया, तो यहाँ शैली से पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, तो शैली से संबंधित और कौन थे कि जैसे नव बंगाल शैली, तो नव बंगाल शैली के जनक कौन थे, तो नंदलाल बोस। फिर एक था काटुम कुट्टुम शैली के जनक, काटुम कुट्टुम शैली के जनक कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। और एक और शैली है जिसे लेसिट शैली कहते हैं, तो लेसिट शैली के जनक कौन थे, असित कुमार हलधर। तो क्लियर हो गया, नव बंगाल शैली के चुगताई शैली जो ये थी, अब्दुल रहमान चुगताई की शैली थी। फिर इन्होंने, इनका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा कि पाकिस्तान के जो टेलीविजन और रेडियो के लिए इन्होंने लोगो तैयार किया था। किसके किसके लिए, टेलीविजन और रेडियो के लिए लोगो तैयार किया था, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान कर लेते हैं कि और बंगाल शैली का कौन कलाकार था जिन्होंने लोगो तैयार किया था, तो वो थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के लिए की जो है जो लोगो तैयार किया था, कौन तैयार किया था, नंदलाल बोस ने। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के लिए टेलीविज़न और रेडियो का लोगो कौन तैयार किया है, अब्दुल रहमान चुगताई ने तैयार किया है। अंग्रेज़ों द्वारा खान बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, किनको, अब्दुल रहमान चुगताई को अंग्रेज़ों द्वारा खान बहादुर की उपाधि भी दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे सारे से क्वेश्चंस बनते हैं और सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो खान बहादुर, अब यहाँ दिमाग में लाइए कि बंगाल शैली का और कौन सा कलाकार है जिन्हों जिन्हें अंग्रेज़ों ने उपाधि दी थी,
पुरस्कार की बात नहीं, उपाध की बात हो रही है। तो याद करिए वो कौन थे, असित कुमार हलधर थे। असित कुमार हलधर थे जिन्हें 1941 में ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, राय साहब की उपाधि दी थी। तो ये दिमाग में बना रहेगा, है कि नहीं। और अब आ जाते हैं कि थोड़ा सा इनके चित्रों में थोड़ी विशेषता को देख लेते हैं, क्योंकि चित्र की विशेषता से आते रहते हैं। जैसे चित्रों में कैलियोग्राफी लाइन का प्रयोग करते हैं, ये चित्रों में क्या करते थे, कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी मतलब सुलेखन पद्धत जो होती है, सुलेखीय परम सिस्टम होता है, तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर आ जाए कि बंगाल शैली का कौन सा ऐसा कलाकार है जो अपने चित्रों में कैलियोग्राफी लाइन का प्रयोग करते हैं, तो क्या है, अब्दुल रहमान चुगताई। ये देखिए चित्र की विशेषता है, इससे भी प्रश्न आते हैं। हमने एक बार चर्चा की थी कि जैसे कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन अपने चित्रों में राम राम लिखता था, तो वो कौन थे, भूपेन कक्कर। कौन अपने चित्रों में क्या कहते थे, अंगूठे का निशान लगाते थे, तो ऐसी अंजलि इलामेनन थी। कौन अपने चित्रों के पीछे या चित्रों में हस्ताक्षर करते थे, तो ऐसे हमारे मंजीत बाबा थे। कभी कभी ये चित्रों की अपनी विशेषता है। कौन ऐसे कलाकार हैं जो अपने चित्रों में मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे गुलाम मोहम्मद शेख जो है सूफी परंपरा के थे, तो ये अपने चित्रों में मुहावरे के रूप में प्रयोग करते थे। जैसे कहत कबीर शीर्षक से एक, तो ऐसे प्रयोग करते थे। आपके आएंगे कलकत्ता ग्रुप में, तो निरोध मजूमदार हैं, ये अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। तो है ना, चित्रों की एक विशेषता होती है, तो ऐसे ही ये चित्रों में कैलियोग्राफी लाइन का प्रयोग करते हैं। और इनके चित्रों में जो रंग है, क्योंकि ये रंगों का सम्राट है, ये अपने चित्रों का जो संसार रचते थे, ऐसा प्रेममयी वातावरण रचते थे। खासकर इनके चित्रों में नीले तथा सिंदूरी रंग का, किसका, नीले तथा सिंदूरी रंग का प्रयोग किया है, कि कौन, अब्दुल रहमान चुगताई ने, किसका, नीले तथा सिंदूरी रंग का। और साथ ही साथ इनकी चित्रों में एक और विशेषता थी, क्या थी, महीन रेखा व कोमल रंगों का प्रयोग। तो हालांकि बंगाल शैली में, क्योंकि इनकी जो टेक्निक थी, बंगाल शैली के कलाकार थे और ये इन्होंने वाश टेक्निक का प्रयोग किया था, तो वाश टेक्निक की जो रंग होते हैं धूल के एकदम कोमलता को प्राप्त हो जाते हैं, तो कोमल रंग होंगे ही होंगे। साथ ही एक बात ये जानिएगा कि अब्दुल रहमान की जो चित्र की जो मिश्रण है, वो भारतीय और फारसी तत्वों का, यानी ईरानी, फारस मीन्स ईरान, क्योंकि इनके वंशज क्या थे, ईरानी थे, फारसी थे, या मुगल कह सकते हैं, तो मुगल भी तो ईरानी परंपरा के थे। तो ऐसी परंपरा में क्या होता था कि ईरानी चित्रकला में एक विशेषता है, वहां पर एक तो सपाट रंग का प्रयोग किया जाता है। आया है प्रश्न कि ईरानी शैली में किस तरह रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सपाट रंग का, तो यहां पर सपाट रंग का जगह पे इन्होंने कोमल रंगों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ वहां की एक विशेषता है, जो विशेषता ले लिए, तो कोमल रंग हो गए भारतीय परंपरा का, और भारतीय परंपरा मतलब वाश टेक्निक मतलब बंगाल शैली का मतलब अजंता, मुगल, राजस्थानी, इन सब परंपराओं का, तो भारतीय हो गया। और साथ ही साथ महीन रेखा, तो ईरानी शैली, ईरानी चित्रकला में महीन रेखा का बहुत प्रयोग हुआ है। वहाँ की चित्रकला की विशेषता क्या है, महीन रेखांकन, तो हो गया ना फारसी तत्व का, तो यानी भारतीय कोमल रंगों का और महीन रेखांकन फारसी जो है फारसी पद्धत का। तो इस तरह इनके चित्रों में भारतीय तथा फारसी तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ऐसे याद रहेगा, समझे रहेंगे। तो इस तरह से महीन रेखा व कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है। अच्छा, इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही है, रचना नहीं मतलब लिखे तो नहीं है, लेकिन इन्होंने शायरी पर चित्र संग्रह किया है, चित्रों का एक कलेक्शन तैयार किया है, और वो ऐसे हमारे मशहूर साहब हैं जिसको सुने ही होंगे, मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब के नाम पर इन्होंने मुरक्का ये चुगताई का जो है एक संग्रह तैयार किया था, चित्रों का एक कलेक्शन था। वो कौन था, मुरक्का ये चुगताई, और किसके शायरी का, तो गालिब, मिर्जा गालिब का। अब गालिब का है तो ऐसे याद रखिएगा कि गालिब मुनक्का खाते थे, तो मुनक्का से याद रहेगा ना, मुरक्का। और एक है नक्शीय चुगताई, तो नक्शीय चुगताई ये उमर खय्याम की रुबाइयों का एक चित्र संग्रह था, तो जो है नक्शीय चुगताई। अब ऐसे नक्श आ गया, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि उम्र के बाद लोगों का नक्शा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या कम उम्र होंगे जो अभी नौजवान, उनको नक्शा ज़्यादा आता है। तो नक्शीय चुगताई से उम्र को रिलेट कर लीजिएगा, और मुरक्का ये चुगताई से मुनक्का से गालिब को, कि गालिब मुनक्का बहुत कहते थे। और एक इनकी और जो है कृति थी,
चुगताई पेंटिंग्स, ये महत्वपूर्ण है, सब एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चुगताई पेंटिंग्स भी इनकी रही है, यानी मुरक्का ये चुगताई, मिर्जा गालिब की शायरी का चित्र संग्रह है, यानी उनकी शायरी पर चित्र बनाए हैं। तो नक्श ये चुगताई उमर खय्याम की है। फिर चुगताई पेंटिंग्स जो है इनकी एक अलग जो है कलेक्शन है। साथ ही साथ इनके चित्रों में भारतीय तथा फारसी तत्वों का मिश्रण देखा जाता है। अच्छा, एक और इनके बारे में लिखना भूल गया, इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक डाक टिकट का एक सुंदर सेट तैयार किया था जो काफ़ी फेमस रहा है। तो पाकिस्तान की डाक टिकट का जो सुंदर कलेक्शन जो है सेट जो तैयार किया था वो कौन थे, वो अब्दुल रहमान चुगताई थे। साथ ही साथ टेलीविज़न और रेडियो का भी जो लोगो तैयार किया वो कौन थे, अब्दुल रहमान चुगताई थे। ठीक ना, जैसे हमारे अभी जब ए रामचंद्रन पढ़ेंगे तो उन्होंने भी डाक टिकट विभाग ने उनको कुछ डाक टिकट का चित्र संग्रह करने के लिए, चित्रों बनाने के लिए, कि डाक टिकट पर कौन सा चित्र बनाने के लिए उनको ये दिया गया था, तो वो हमारे ये रामचंद्रन थे। तो वो आएंगे तो देखेंगे। तो ये चीज़ हो गया कि चित्रों को देख लेते हैं। तो इनके चित्र हैं सहारा की राजकुमारी। अच्छा, हम इनको चित्रों को थोड़ा सा ऐसा टेक्निक बनाएं कि थोड़ा सा कम मेहनत पड़े दिमाग को। तो क्या करें, ऐसा समझ लेते हैं, शहजादा सलीम का नाम सुने ही होंगे, सलीम जो अकबर के लड़के थे। तो समझिए कि सलीम ने एक जंगल की लैला थी उसको सहारा दे दिया तो वो एकदम राजकुमारी हो गई। यानी प्रिंस सलीम ने जंगल में एक लैला थी उसको क्या कर दिया, सहारा दे दिया, तो अब वो क्या हो जाएगी, राजकुमारी हो जाएगी। तो सहारा की राजकुमारी प्रिंस सलीम और जंगल में लैला, ऐसे याद रहेगा। और जब सहारा दे दिया प्रिंस सलीम ने जंगल की लैला को, तो जाहिर सी बात है उसके जीवन में संगीत का जन्म हो गया। क्या हो गया, संगीत का जन्म। अच्छा, ये संगीत का जन्म आया है, एक चीज़ और याद, इससे मिलता जुलता है, TGT 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, बांग्लादेश का जन्म। क्या था, बांग्लादेश का जन्म। तो ये किसकी थी, के के हब्बर की थी। क्या, बांग्लादेश की जन्म। और एक उनकी तो फेमस कृत थी मुर्गे की लड़ाई, काक फाइट। अच्छा, बांग्लादेश का जन्म, कविता का जन्म, ये दोनों के हब्बर की है। ठीक ना, उसी से देखिए, उसी से मिलता जुलता क्या है, संगीत का जन्म, ये अब्दुल रहमान चुगताई की है। तो अब हम आगे देखते हैं, तो जंगल में लैला थी उसको प्रिंस सलीम ने सहारा दे दिया, तो जब सहारा दे दिया तो वो राजकुमारी बन गई, सहारा की राजकुमारी। तो उसके जीवन में क्या हुआ, संगीत का जन्म ले लिया। क्या हुआ, अब तो खुशी आ गई ना कि हम भाई जंगल में घूम रहे थे, अब तो प्रिंस सलीम भाई अकबर के लड़के ने हमको सहारा दे दिया। तो उसके जीवन में क्या हुआ, संगीत का जन्म हो गया। और संगीत का जन्म हो गया तो बाद में होली भी खूब खेली। कौन जंगल में लैला थी वो होली भी खूब खेली। तो होली खेल ली किसके साथ, शहजादे सलीम के साथ, प्रिंस के सलीम के साथ। कौन खेला होली, जंगल की लैला ने खेला, जो अब क्या हो चुकी थी, सहारा की राजकुमारी हो चुकी थी। और उसके जीवन में संगीत का जन्म होता है और एकदम बिल्कुल ग्लूमी राधिका, ग्लूमी मतलब एकदम चमक उसके जीवन में भी आ जाता है, तो ग्लूमी राधिका जैसी दिखने लगती है। और ये ग्लूमी राधिका किसकी है, वास एंड टेम्परा की है। अच्छा, वो जंगल की लैला थी तो अपने साथ तोता भी लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी, तोता लेकर आई थी, और उस तोते का नाम था हरिमन तोता। क्या नाम था, हरिमन तोता। तो हरिमन तोता हो गया एक चित्र, ठीक। और इसके बाद में द हर्मिट याद रखे रहिएगा, हरिमन से रिलेट कर दीजिएगा, जब हरिमन आए कि जंगल में लैला आई की जो थी, जो सहारा की राजकुमारी बन चुकी थी, उसके जीवन में संगीत का जन्म हो चुका था, उसने शहजादे सलीम के साथ होली खेली, वो अपने साथ तोता लेकर आई थी क्योंकि जंगल की वो लैला थी, तो तोता लेकर आई थी। और साथ ही साथ को तोते का क्या नाम था, हरिमन तोता। और हरि आ गया हरिमन, तो हर से हर्मिट भी जोड़ देना, तो हर्मिट हो जाएगा। अब साथ ही साथ अनारकली नाटक, देखिए अब्दुल रहमान चुगताई ने पाकिस्तान में एक अनारकली नाटक के लिए एक दृश्य को मंचन करना था, एक दृश्य का चित्रांकन करना था, किसके, अनारकली का। तो इन्होंने अनारकली नाटक के लिए पेंटिंग्स भी बनाई थी और साथ ही साथ अनारकली का चित्र भी बनाया था। तो अब जब शहजादा सलीम हैं तो यहाँ से इनको जोड़ दीजिएगा अनारकली। आप तो जानते हैं अनारकली के लिए कितना झगड़ा बवाल हुआ था अकबर से और शहजादे सलीम के बीच में, जिसे कहानी प्रसिद्ध है कि उसे दीवार में चुनवा दिया गया था।
तो ये क्या हो जाएगा, इनसे संबंधित जो कुछ ये सारे प्रश्न, ये सारे जो है चित्र आ चुके हैं, तो जो आ चुके हैं उनको हम लोगों ने पढ़ लिया, तो जो इम्पॉर्टेंट होंगे बाद में की आने की संभावना रखते हैं उनको हम लोग क्वेश्चन आंसर के में सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया अभी हम जब बंगाल शैली ख़त्म कर लेंगे तो उस पर हम बंगाल शैली का जो है सेट तैयार करेंगे जो एग्ज़ाम में बेहतरीन होगा और आने की संभावना आपको पूरी तरह से 99% रहेगी। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, अनारकली नाटक के लिए पेंटिंग्स बनाई थी ना, अगर कुछ थोड़ा सा माइंड को रिवाइज करिए, थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी की तरह चलें, तो याद करिए अगर एक प्रश्न आता था कि जो है क्या कहते हैं बंगाल में एक ड्रामा समूह था जिसका नाम था यात्रा दल, तो उस ड्रामा समूह के जो यात्रा दल थे उसकी जो मंच की साज सज्जा किसने की थी, तो पश्चिम बंगाल की बात है तो उसकी मंच की साज सज्जा जो की थी वो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने की थी। बाकी एक और आता है मंच की साज सज्जा करने के लिए कि उसमें जो चित्र बनाया था जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, तो याद करिए कि उस मंच की साज सज्जा जो सामियाना बनवाया गया था, उस सामियाने में जो चित्र बनाना था उसकी साज सज्जा किसने की थी, तो असित कुमार हल्दर, के वेंकटप्पा और हमारे नंदलाल बसु थे, इन लोगों ने मिलकर जो है सज्जा की थी सामियाना की, और उसका विषय क्या था रासलीला। ऐसे हमारे विभिन्न कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस के अधिवेशनों की तो पूरा श्रेय नंदलाल बसु को जाता है, नंदलाल बसु ने चाहे वो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो, फैजपुर अधिवेशन हो, हरपुरा कांग्रेस सम्मेलन हो, इन सब जगहों पर किसने जो है मंच की साज सज्जा की थी, तो नंदलाल बसु ने, और किस विधि से, टेम्परा विधि से, और जो विषय रखा गया था वो भारतीय ग्रामीण जीवन रखा गया था जिसमें मुख्यतः किसान खेत जोतने वाला किसान था, ट्रिलर स्वायर, तो ये सब चीज़ें बार बार रिविजन होता रहे, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपने सारे दोस्तों को अलविदा कहते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।